दोस्तों एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हर टाइम आपको कमज़ोरी महसूस होती है आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है और आपके जो हाथ पैर हैं, वो भी ठंडे रहते हैं और कई बार तो क्या होता है कि इंसान बेहोश भी हो जाता है लेकिन अगर आप ये रेमेडी को फॉलो करेंगे तो यकीन माने सिर्फ पंद्रह दिनों में आपका हीमोग्लोबिन लेवल पाँच से बारह हो जाएगा आप खुद ही देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आप ले लें एक आम कोई भी मीठा पका हुआ आम आप ले लें आप चेक कर लें कहीं से सड़ा ना हो गला ना हो कच्चा आम आपने यूज नहीं करना आम को तो आपको वैसे ही पता है फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण छुपे हुए होते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में वाइटमिन और मिनरल्स होते हैं और ये आयरन से भरपूर होता है और जो आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना इसको बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और दोस्तों आपने लेना है प्याज आपने इतना ही छोटा प्याज लेना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एक आम आप जब यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इतना ही प्याज ले लें लाल प्याज होना चाहिए प्याज में सल्फर पाया जाता है जो कि एक तरीके से नेचुरल ब्लड एजेंट की तरह काम करता है ये शरीर में ब्लड को क्लॉटिंग होने से भी रोकता है और इसमें दोस्तों आयरन भी होता है जो खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम करता है अब आगे आप दोस्तों एक बर्तन में पानी ले लें इसमें अच्छा उबाल आने दें अब इस टाइम पे आप देख रहे हैं ना अच्छा उबाल आ रहा है अब आपने जो आम मैंने आपको दिखाया था वो ले लेना है इसमें आम डाल देना है पानी आप देख रहे हैं ना इतना ही होना चाहिए जिसमें आम आपका पूरी तरह डूब जाए ये जो आम पहले से ही पका हुआ हमने लिया है इसको हमने उबालना है पाँच मिनट के करीब आप इसको ऐसे कुक करेंगे फ्लेम मीडियम ही रखेंगे आम आप कोई भी वैरायटी का ले सकते हैं मैंने तो ये चौसा वाला आम लिया है आपको जो भी मिल जाए मीठा पका हुआ आम वो आप ले लें ध्यान रहे आप ओवर कुक ना कर दें ज़्यादा कुकिंग अगर आप कर देंगे तो क्या होगा कि जो आम है वो फट भी सकता है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए पाँच मिनट बाद आप देखिए दोस्तों आम का कलर भी चेंज हो गया आप देख सकते हैं पीला हो गया ये और काफ़ी फूल गया है, और एकदम ही नरम हो गया इसको निकाल लेते हैं अब आगे आप और पानी ले लें और इसको भी आप बॉईल कर लें पहले अच्छे से और जो मैंने आपको प्याज दिखाया था ना वो आपने इसमें डाल देना है ऐसे ही आपने साबुत ही डालना है प्याज पानी में कोई आपने इसका छिलका नहीं निकालना दोस्तों प्याज को तो आप कच्चा भी खाते होंगे लेकिन आप सोच रहे होंगे आम के साथ प्याज कैसे खाने में लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो बॉयल होएगा बॉयल होने से इसका जो फ्लेवर है सारा न्यूट्रल हो जाएगा लेकिन जो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं बेनिफिट्स हैं वो आपको पूरे मिलेंगे और हम वैसे भी ये रेमेडी बना रहे हैं खाने में एक प्रॉपर मेडिसिन की तरह काम करेगा जब ये मैंगो के साथ मिल जाएगा और इसको भी सॉफ्ट होने तक हमने कुक करना है ये देखिए दोस्तों पाँच मिनट करीब हो गए हैं बस इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इसको भी निकाल लेते हैं चलिए दोस्तों ये दोनों चीज़ें तो हमने बॉईल कर ली हैं अब इनको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तब मैं आपको बताऊँगी आगे इसको कैसे यूज़ करना है अब इस टाइम पे दोस्तों दोनों चीज़ें पूरी तरह ठंडी हो गई हैं अब हम पहले प्याज को छील लेते हैं और इसका छिलका अलग कर लेंगे सारा आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया ना ये पूरी तरह और जो ये आम था इसको भी हम छील लेंगे और इसका सारा जो पल्प है गूदा है वो निकाल लेंगे जितना मैक्सिमम निकल जाता है वो सारा आपने निकाल लेना है अब आगे आप ले लें मिक्सर जार इसमें ये दोनों चीज़ें डाल देंगे जो सारा आम का पल्प था और ये जो प्याज है इसको भी हम डाल देंगे प्याज को थोड़ा काट के डाल देते हैं आसानी से पिस जाएगा ये आप देखें दोस्तों अच्छे से सारा ये पिस गया कितना फाइन बन गया पेस्ट अब आगे आप कोई भी बर्तन ले लें इसमें आप तीन चम्मच के करीब चीनी डाल दें और इसमें एक चम्मच के करीब आप पानी डाल दें चीनी को पूरी तरह घुलने दें अच्छे से थोड़ा आप चलाते हुए ऐसे कुक कर लें दाने सारे खत्म हो जाने चाहिए चीनी के अब जैसे ही आप देखेंगे ये दाने सारे घुल गए हैं पानी में जो हमने ये पीसा था ना प्याज और आम ये डाल देना है सारा और इसको भी हमने चलाते हुए थोड़ा कुक करना है बस पाँच मिनट के करीब ही आप कुक कर लें और ये सारी कुकिंग आपने स्लो फ्लेम पे करनी है और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक आप देखेंगे ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए इस टाइम पे आप देखिए ये सारा एक जैसा इकट्ठा हो रहा है ना और थोड़ा गाढ़ापन आ गया इसमें बस इतना ही आपने कुक करना है इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं अब दोस्तों इस टाइम पे जो रेमेडी है ना ये तैयार हो गई है लेकिन इसको आपने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपकी एज बारह साल से ऊपर की है तो आपने एक चम्मच लेना है सुबह और एक चम्मच लेना है शाम को इसके साथ आप एक गिलास पानी ले लें या एक गिलास आप दूध ले लें कैसे भी आप ले सकते हैं लेकिन क्वांटिटी आपने इसकी एक चम्मच लेनी है अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको आधा चम्मच देंगे लेकिन एज में आपको बता देती चार साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको आपने नहीं देना चार साल से लेकर बारह साल तक के बच्चे को आप ये दे सकते हैं आधा चम्मच आप दे दें बस क्वांटिटी आपने आधा चम्मच ही रखनी है इसके भी साथ आप पानी या दूध कैसे भी दे दें जैसे आपके बच्चे पी लें और इसको आप बना के टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें और फ्रिज में आप रखें तो चलिए दोस्तों आप ये रेमेडी को ट्राई करें और आप खुद ही देखेंगे कि पंद्रह दिन में जो ब्लड लेवल आपका रिपोर्टों में पाँच आता था वो बढ़कर बारह हो जाएगा फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ बाय बाय